आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। भारत माता की जय। इनकलाब इनकलाब वंदे वंदे। सबसे ज्यादा लोग उत्तराखंड के जाते हैं भारत की फौज में। अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश की सुरक्षा करने के लिए, और अपने देश की सुरक्षा करते करते न जाने कितने लोग उत्तराखंड की धरती के कितने लोग शहीद हो गए। शहीदों की धरती है ये, वीरों की धरती है ये, देशभक्तों की धरती है। जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी तो मुझे पता चला दिल्ली पुलिस में अगर कोई शहीद हो जाता है, दिल्ली पुलिस में पुलिस वाले अगर कोई शहीद हो जाता है तो शहादत के बाद उसकी विधवा को एक सिलाई मशीन देते हैं सरकार। ये कीमत है हमारी शहादत की। तो दिल्ली के अंदर फिर हमने योजना बनाई कि दिल्ली का रहने वाला कोई भी फौजी, कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होगा या दिल्ली पुलिस का कोई भी सिपाही अगर शहीद होगा ऑपरेशन में, या कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स का कोई भी शहीद होगा, उसके परिवार को सम्मान पूर्वक सम्मान राशि के तौर पे 1 करोड़ रुपए सरकार दिया करेगी। उत्तराखंड में भी करेंगे, उत्तराखंड में जब सरकार बनेगी उत्तराखंड में भी करेंगे। उत्तराखंड का रहने वाला कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होगा, किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा कहीं भी, या उत्तराखंड पुलिस का कोई भी सिपाही या पैरामिलिट्री फोर्स का कोई भी सैनिक उत्तराखंड का रहने वाला अगर किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा, उसके परिवार को सम्मान पूर्वक हमारे मुख्यमंत्री कर्नल कोटियाल उनके घर जाके 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि लेके आए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल की देहरादून में एक रैली हुई है। बड़ी संख्या में लोग यहां मौजूद रहे, कई कुछ नए वादे भी उन्होंने आज यहां किए हैं। क्या सोच रही है जनता, बात करेंगे। आपका क्या नाम है? बलदेव सिंह जी। बलदेव जी बताइए, अरविंद केजरीवाल की रैली थी, उन्होंने कुछ घोषणाएं भी की हैं, कैसा रहा? सर हमें तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दिल्ली में हमारे रिश्तेदार भी रहते हैं और वहाँ काम हुआ है, तो यहाँ भी सर 101% होगा और हम पूरा आश्वस्त हैं इनसे कि यहाँ पे ये कार्य पूरी तरह से होगा। यहाँ जो घोषणाएं हुई ना, ये धरातल पर उतरेंगी पूरी। लगता है बाकी जगह समर्थन मिल पाएगा, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस की सीधी लड़ाई है। तीसरे सर ये आम आदमी की ही लड़ाई है, बीजेपी और कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, ये धरातल पर कहीं है ही नहीं सर। ये पार्टियों ने लूट के खा दिया हमें, हमें बेरोजगार कर दिया, हमारे बच्चों को। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रंजीत सिंह सर। रंजीत जी बताइए, केजरीवाल जी की रैली में आप आज रहे हैं, क्या कुछ बातें कही हैं आपको, कुछ रास्ता दिख रहा है आम आदमी पार्टी का? बिल्कुल सर, हमारे बच्चे बेरोजगार हैं सब, हमने जितनी मेहनत करी सब बच्चों की पढ़ाई पे लगा दी, और आज हमारे बच्चे जो हैं घर पे खाली बैठे हुए हैं, कोई रोजगार उनके लिए नहीं है। 10 साल सरकार रही है कांग्रेस की और 10 साल बीजेपी की रही है सर। हम इनके पीछे पीछे वोट देते जाते हैं लेकिन ये हमारी कभी नहीं सुनते सर। बिल्कुल 100% है कि हमारे यहाँ पे आम आदमी की सरकार ही बनेगी। बिल्कुल, यहाँ कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है? आप लोगों को देख के लग रहा है, आइए आइए आप भी आइए, आप लोगों को देख कर लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को जो अच्छा मानने वाली महिलाएं हैं वो बोलती नहीं हैं। भाजपा और कांग्रेस की रैली में जाओ तो महिलाएं बहुत बोलती हैं, तो मुझे लगता है कि एक नया वर्ग जुड़ रहा है जो केजरीवाल से, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर। कहाँ से हैं? हम शेरगढ़ से हैं। शेरगढ़ से आ रही हैं। कैसा रहा केजरीवाल जी को सुना आपने? हाँ जी बहुत अच्छा है। पहले और नेताओं को सुना था, मोदी जी को सुना हो, राहुल जी को सुना हो, क्या अलग है उनमें? बस उनमें जो इनमें बात है, इन्होंने अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला मान लिया। अच्छा। हाँ जी बहुत अच्छी बात की, बस हम ये चाहते हैं, मैंने कहा इनकी सरकार आए यहाँ पे और जो इन्होंने बोला बस हमारा। महिलाओं को 1000 रुपये दे रहे हैं वो, ये कैसा अच्छी योजना है? उन्होंने कहा कि दूसरे नेता कह रहे हैं कि महिलाएं बिगड़ जाएंगी अगर 1000 रुपये मुफ्त मिलेंगे। नहीं क्यों, वही तो जी। चलिए अच्छी बात है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीक्षित है और मैं डोईवाला विधानसभा क्षेत्र से हूँ। मैंने देखा आज अरविंद केजरीवाल जी ने जितने भी दिल्ली में मतलब जो भी कार्य किया है, महिला बस पास से लेके और वहाँ की लाइट की यूनिट से लेके जो भी फ्री किया है ना, सेम अभी उत्तराखंड में करने का वादा है। हमने
10 साल का कांग्रेस पार्टी को भी देखा और बीजेपी पार्टी को भी देखा, लेकिन ऐसा लगा कि किसी में भी मतलब कोई वो सभ्यता नहीं है जो जनता के हित के लिए होता है, वो सब मतलब किसी पार्टी ने भी नहीं किया। सब पार्टी ने मुख्यमंत्री को बदलना और अपने पैसों को जमा करना, जमा पूंजी अपना, ये सब देखा बीजेपी और कांग्रेस ने। मैं बीजेपी और कांग्रेस के कट्टर खिलाफ हूँ और मेरे को आम आदमी पार्टी को मुझे फॉलो करते हुए समथिंग 2-3 साल हो गए, क्योंकि मैं दिल्ली में भी रह चुकी हूँ, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा जैसे सिटी में, और मैं दिल्ली के अंदर भी पूरे NCR में रह के आई हूँ कि दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल ने किया है वो यहाँ पर भी करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आयशा है सर। आज अरविंद केजरीवाल जी ने जो जो बातें की है हमें बहुत पसंद लगी। देखो बीजेपी वाले हों या कांग्रेस वाले हों, आज तक ना ही कांग्रेस वालों ने कुछ किया है ना ही बीजेपी वालों ने कुछ किया है। अरविंद केजरीवाल जी जो है एक आम आदमी को लेकर चलने वाले हैं। आम आदमी के बारे में अरविंद केजरीवाल जी ने सोचा है जो, तो वो बहुत अच्छा काम करेंगे। आज उन्होंने कहा है कि 1000 रुपये अगर महिलाओं को देंगे तो महिलाएं बिगड़ जाएंगी। मैं कहती हूँ एक गरीब महिलाएं इस उत्तराखंड में या हमारे डोई वाला, पूरे उत्तराखंड की बात करती हूँ मैं, कि उसमें एक गरीब से गरीब औरत भी है जो नहीं कमा सकती। बुजुर्ग महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं जिनके किसी के पिताजी भी नहीं होते या कोई नहीं होता, तो वो नहीं कमा सकती। तो उसमें अगर केजरीवाल जी उन्हें 1000 रुपये देंगे हर महीने तो बिगड़ने वाली कौन सी बात है, वो तो दुआएं लेंगे ना। तो केजरीवाल जी ने जो कहा है कि 1000 रुपये देंगे तो वो बहुत अच्छा कहा है, और हम सब पूरा उत्तराखंड केजरीवाल जी के साथ हैं और पूरे सपोर्ट के साथ हैं हम। जय उत्तराखंड, जय भारत। क्या लग रहा है कुछ हवा बदलेगी केजरीवाल को? क्या इस बार पक्की हवा बदलेगी? क्योंकि पहले हम उससे पहले 70 साल से हमारे बुजुर्ग भी रहे हैं, वो हमारे 70 साल से कांग्रेस में रहे हैं, उसके बाद फिर क्या करें, हमने भी बीजेपी में टाइम निकाल के दिया है। हम खुद बूथ पे जाके हम बैठते थे वहाँ पर। भाजपा में रहे हैं कार्यकर्ता? भाजपा में रहे, उसके बाद फिर हमने मन बना लिया है कि एक लहर हम आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में पूरा सहयोग करेंगे तन मन धन से। जय हिंद, जय भारत। तो अलग अलग विचार हैं लोगों के, महिलाओं का अपना एक नज़रिया है अरविंद केजरीवाल को देखने का, उन्हें इस बात को लेकर खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह नहीं बोलते, राहुल गांधी की तरह नहीं बोलते, लेकिन काम की बात करते हैं, वो महिलाओं को बहुत पसंद है। इसके अलावा चुनौतियां बहुत सारी हैं। आज मंच से अरविंद केजरीवाल ने कई घोषणाएँ की हैं। दिल्ली में जिस तरह से शहीद परिवारों को 1 करोड़ रुपया दिया जाता है, वो उत्तराखंड में भी दिया जाएगा। केवल सेना के नहीं बल्कि अर्धसैनिक बल, पुलिस और तमाम जितने सिक्योरिटी फोर्सेज में जो शहीद होने वाले होंगे उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। और इसके अलावा पुरानी जो उनकी गारंटी योजनाएं हैं उसको उन्होंने मंच से दोहराया है और एक बड़े जनसैलाब को हम कह सकते हैं कि परेड ग्राउंड में उन्होंने संबोधित किया है। इससे पहले राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी परेड ग्राउंड में रैली कर चुके हैं। अब देखना है कि आगे उत्तराखंड के 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति किस करवट बदलती जाती है। कैमरामैन इमरान के साथ हिमबर्ट, जय भारत TV।